हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ट्विन ब्रोज। आई एम जूही एंड आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर फैशन डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द क्रिएटिव एक्सप्रेशन दैट एनहांसेस अ पर्सनस अपीयरेंस? ए फैशन, बी स्टाइल, सी फैड या फिर डी क्लासिक। कौन सा टर्म है जिससे एक इंसान के क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो उसके अपीयरेंस बढ़ाता है, मतलब उसको अच्छा दिखाता है, वो कौन सा टर्म है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फैशन। फैशन हम डेली यूज में बोलते हैं कि फैशन चल रहा है आजकल, मतलब कि वो और एक इंसान के और भी ज्यादा अच्छा लगने के लिए उसको वो जो वो पहनता है या कोई भी कुछ भी, कोई एक्सेसरी हो या कपड़े हो, उसको हम फैशन कहते हैं। स्टाइल, फैड और क्लासिक अलग चीजें, इनकी डेफिनेशन ऑल्सो आपको पता होनी चाहिए, वो बुक के अंदर है। तो फैशन, स्टाइल, फैड एंड क्लासिक चारों में डिफरेंस क्या है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कंफ्यूजन हो, बिकॉज फिर आंसर गलत हो जाएगा, सबके अलग अलग मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर शॉर्ट लिव ट्रेंड्स दैट इमर्ज एंड फेड विद इन अ सीजन कॉल्ड? ए फैशन, बी स्टाइल, सी फैड या फिर डी क्लासिक। अब यहाँ पे शॉर्ट लिव ट्रेंड्स की बात हुई है, जब शॉर्ट लिव बोला जाए कि मतलब बहुत कम टाइम के लिए एकदम आया और गया, ऐसे नहीं कि हमेशा सालों साल लोग ये उसको यूज कर रहे हैं, पहन रहे हैं, ऐसा नहीं, शॉर्ट लिव्ड। तो फिर क्या होगा, बिल्कुल आपको ये शॉर्ट लिव पढ़ के ही पता लग जाना चाहिए आंसर। द आंसर इज सी फैड। फैड मतलब कि वो आया एकदम थोड़े टाइम रहा फिर चला गया, लोग को ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं लगा, वो वापस इट वेंट। नेक्स्ट, व्हाट टर्म रेफर्स टू पर्टिकुलर लुक और कैरेक्टरिस्टिक इन क्लोदिंग और एक्सेसरीज? ए फैड, बी फैशन, सी क्लासिक या फिर डी स्टाइल। कोई पर्टिकुलर लुक को क्या कहा जाता है? द आंसर इज डी स्टाइल। तो अब आप देख रहे हो इन एमसीक्यूज के थ्रू एक एक टर्म का जो है हमें मतलब समझ आ रहा है, तो यू शुड नो इन सबका डिफरेंस। तो स्टाइल जो है वो एक पर्टिकुलर लुक या कैरेक्टरिस्टिक इन क्लोदिंग, मतलब कपड़े ऐसा होना चाहिए या वैसे होने चाहिए, एक लुक बनाना, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। फैड मतलब जो आया और जल्दी से चला गया। देन विच कंट्री बिकेम अ फैशन हब ड्यू टू रॉयल कोर्ट पैट्रोनेज? हमारे को चैप्टर में एक ही कंट्री का बताया है, तो द आंसर इज वेरी क्लियर हेयर। ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी दिल्ली या फिर डी चाइना। द आंसर हेयर इज बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर ड्यूरेबल पैंट्स विद पॉकेट्स ओरिजिनली मेड फ्रॉम टेंट फैब्रिक कॉल्ड? तो हमको ये बताया हुआ है चैप्टर के अंदर कि एक पैंट थी जो बहुत टाइम तक चलती थी, बहुत ड्यूरेबल थी एंड बहुत ही फेमस हो गई थी, उसको क्या कहते थे? द ऑप्शंस आर ए टेंट्स, बी जीन्स, सी डेनिम्स या फिर डी शर्ट्स। द आंसर इज सी डेनिम्स। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जीन्स या डेनिम में कौन सा होगा, हमारे बुक में मेंशन्ड है डेनिम, जो वर्ड बुक में दिया हो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आप जीन्स नहीं चूज करेंगे, आप डेनिम्स चूज करेंगे। द आंसर इज डेनिम। नेक्स्ट, By the 19th century, how were affordable fashions made available to the public? A. Departmental stores, B. Retail bazaars, C. Fairs and bazaars, D. Single store units. So, affordable fashion जो था वो कहाँ पे मिलता था? The answer is C. Fairs and bazaars. बाकी सारी जगह पर नहीं, but fairs and bazaars जो था वो बहुत affordable एक means था लोगों के लिए, तो वो वहाँ पे से shopping करते थे कपड़ों की. Next, How many stages does a fashion cycle typically move through? मतलब fashion cycle में कितने stages हैं? A5, B4, C3 या फिर D6? This is very simple question and आपको ये पक्का पता होना चाहिए। Even सारे fashion cycle, fashion style में जो सारे stages हैं वो भी पता होने चाहिए। The answer here is A5. There are 5 stages. Next question. During which stage of the fashion cycle do designers experiment with elements like color, line and fabric? A. Rise in popularity, B. Peak of popularity, C. Decline in popularity या फिर D. Introduction of a style? कौन से स्टेज में एक एक्सपेरिमेंटेशन होती है? तो द आंसर इज D. Introduction of a style. जब स्टाइल नया नया आता है तब उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग लाइंस, कलर, फैब्रिक डाल के,
बाकी में कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता बाकी सारे स्टेजेस में, तो हर स्टेज में क्या होता है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा जो स्टेजेस है सारे के सारे, पूरा जो साइकिल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस पर क्वेश्चन आएगा तो यू शुड नो. नेक्स्ट, वॉट इज द स्टेज ऑफ फैशन साइकिल वेयर न्यू स्टाइल्स इमर्ज एंड प्रीवियस वन डिक्लाइन इन डिमांड. मतलब नए स्टाइल आते हैं और पुराने वाले वापस चले जाते हैं या फिर उनको लेता ही नहीं कोई, वो बंद हो जाते हैं. ए, इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी. बी, डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी. सी, रिजेक्शन ऑफ स्टाइल. या फिर डी, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी. द आंसर इज बी, डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी. ये अगेन उस साइकिल के स्टेजेस में से एक है तो यू शुड नो. नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फैशन इन द इंडस्ट्री. ए, फैशन स्टाइलिस्ट. बी, फैशन मर्चेंडाइजर. सी, इंटीरियर डिजाइनर. या फिर डी, नन ऑफ द अबव. प्लानिंग प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैशन ये कौन करता है? द आंसर इज फैशन मर्चेंडाइजर. यही तो हमारे चैप्टर का भी नाम है. तो वो करते क्या है मेनली, वो ये काम करते हैं, प्लान करना, प्रोड्यूस करना और फैशन डिस्ट्रीब्यूट करना इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों पे. दैट इज द वर्क ऑफ अ फैशन मर्चेंडाइजर. नेक्स्ट, विच रोल इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद अ फैशन मर्चेंडाइजर. मतलब एक फैशन मर्चेंडाइजर क्या नहीं करता है? ए, मैन्युफैक्चरिंग. बी, मॉडलिंग. सी, बाइंग. या फिर डी, सेलिंग. इग्नोर द ए, इट इज सेलिंग. सो द आंसर इज डी, मॉडलिंग. बाकी सारे वो फीचर्स करता है मैंने अभी बताया आपको, बट मॉडलिंग इज नॉट समथिंग जो कि फैशन मर्चेंडाइजर करता है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट्स शेयर अ ब्रांड एंड स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस मेथड्स. तो हमको चार रिटेल आउटलेट्स के बारे में बताया हुआ है, तो उन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं यू शुड नो. तो यहाँ पे वो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. ए, नेबरहुड स्टोर्स. या फिर बी, सिंगल यूनिट स्टोर. सी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स. या फिर डी, चेन स्टोर. तो जब स्टैंडर्डाइजेशन की बात आती है, मतलब कि जो एक स्टोर में है वैसा ही डिट्टो सेम दूसरे स्टोर में होगा, तीसरे स्टोर में होगा. तो अगर आपके सिटी में एक दुकान के पांच स्टोर हैं तो वो पांचों के पांचों बिल्कुल सेम होंगे, सेम चीजें होंगी, सेम दाम होंगे, हर चीज सेम होगी. तो फिर वो किसको कहलाया जाता है, वो कौन सा टाइप होता है? दैट इज कॉल्ड डी, चेन स्टोर्स. नेबरहुड स्टोर में ऐसा नहीं होता, सिंगल यूनिट स्टोर्स में भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, एंड डिपार्टमेंटल स्टोर का भी डेफिनेशन एकदम अलग है. तो द आंसर इज चेन स्टोर्स. नेक्स्ट, व्हाट डज अ फैशन मर्चेंडाइजर नीड टू बी अवेयर ऑफ. ए, टारगेट मार्केट. बी, डिजाइनिंग कॉस्ट. सी, फैशन ट्रेंड्स. या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव. फैशन मर्चेंडाइजर को किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए इनमें से? द आंसर इज ए, ऑल ऑफ, सॉरी डी, ऑल ऑफ द अबव. टारगेट मार्केट, डिजाइनिंग कॉस्ट, फैशन ट्रेंड्स, ये सब पता होना चाहिए फैशन मर्चेंडाइजर को. नेक्स्ट, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फैब्रिक्स डू टेक्सटाइल डिजाइनर्स नीड टू अंडरस्टैंड वेल. ए, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. बी, यार्न्स एंड फैब्रिक्स. सी, फाइबर्स एंड यार्न्स. या फिर डी, रेडीमेड ड्रेसेस. दिस इज रेडीमेड ड्रेसेस, नॉट रेडीमेड ड्रेसेस. तो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज ए, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. टेक्सटाइल डिजाइनर को, अब यहाँ पे बात ही फाइबर्स और फैब्रिक्स की होगी बिकॉज एक टेक्सटाइल डिजाइनर की बात हो रही है, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर आउटलाइन ऑफ शेप ऑफ अ फैब्रिक. तो ये जो है हमारे इस चैप्टर में भी है और इनफैक्ट इससे पिछले वाला चैप्टर जो है उसके अंदर भी एमसीक्यू आ सकता है. तो ये दोनों का कॉमन क्वेश्चन है, तो यू शुड नो कि क्या कहते हैं इस टर्म को. ए, नेकलाइन. बी, सिलोट. सी, मर्चेंडाइजिंग. या फिर डी, नन ऑफ द अबव. द आंसर इज बी, सिलोट. उसको कहते हैं आउटलाइन या फिर शेप ऑफ अ फैब्रिक. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड अ मर्चेंडाइज राइट. ए, राइट प्लेस. बी, राइट टाइम. सी, राइट प्रमोशन. या फिर डी, राइट टू चूज. मर्चेंडाइज राइट हमको बुक में बताए हुए, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे एंड यू वुड रिमेम्बर, तो इनमें से एक वो नहीं है. वो कौन सा नहीं है? द आंसर इज राइट प्लेस. वॉट इज द फाइनल कॉम्पोनेंट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग? ए, प्रोडक्शन. बी, डिजाइनिंग. सी, बाइंग. या फिर डी, सेलिंग. एकदम एंड में क्या होगा? ऑफकोर्स द आंसर इज डी, सेलिंग. सारा कपड़ा बनने के बाद, डिजाइन होने के बाद, खरीदने के बाद क्या होगा? उसको बेचा जाएगा. सो डी, सेलिंग. नेक्स्ट,
What term refers to the style most popular at a given time? A. Short, B. Fashion, C. Style, या फिर D. Fad? The answer here is fashion. मैंने एक शुरू में बताया था फैशन के बारे में और अब मैं बता रही हूँ फैशन के बारे में. फैशन की ये भी एक डेफिनेशन है दैट स्टाइल मोस्ट पॉपुलर एट अ गिवन टाइम, उसको हम फैशन कहते हैं. नेक्स्ट, सुनैना'स एक्सपर्टीज इन फैशन मर्चेंडाइजिंग अलाउज हर टू ए फोरकास्ट, बी टारगेट मार्केट, सी सेल्स प्रमोशन, या फिर डी डायरेक्टिंग. द आंसर हियर इज ए फोरकास्ट, बिकॉज सुनैना एक्सपर्ट है फैशन मर्चेंडाइजिंग में और फैशन मर्चेंडाइजिंग का एक काम होता है फोरकास्ट करना, तो फिर दैट इज वाई वो उसमें बहुत एक्सपर्ट है. नेक्स्ट, विच फिनोमिना इन फैशन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट? ए क्लासिक, बी फैड, सी स्टाइल, या फिर डी नन ऑफ द अबव. ऑलवेज कॉन्स्टेंट जब भी यूज हो, एक तो मैंने आपको फैड बता दिया कि शॉर्ट लिव जब वर्ड यूज हो फैड होगा आंसर, और जब कॉन्स्टेंट का बात है हमेशा जो रहता है, द आंसर हियर इज वेरी इजी, इट इज क्लासिक. क्लासिक जैसे कि डेनिम हो गए, हमेशा अभी भी लोग पहनते हैं, तो दैट इज अ क्लासिक, इट इज कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट, व्हाट कैरेक्टराइजेस अ स्टाइल, क्लासिक स्टाइल? ए इट नेवर बिकम्स कंप्लीटली ऑब्सोलीट, बी इट रिमेन्स एक्सेप्टेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव. एक क्लासिक स्टाइल कैसा होता है ये पूछा गया है, तो ए इट नेवर बिकम्स कंप्लीटली ऑब्सोलीट, मतलब ये कभी भी एकदम बिल्कुल जाता नहीं, ये रहता है. क्या ये सच है क्लासिक के बारे में? हाँ. बी इट रिमेन्स एक्सेप्टेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब काफी टाइम तक लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और पहनते हैं. हाँ. सो इस दोनों अगर ट्रू है तो फिर क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द वे इन विच फैशन चेंजेस ओवर टाइम? धीरे धीरे समय के साथ फैशन चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? ए फैशन साइकिल, बी फैशन हिस्ट्री, सी फैशन मर्चेंडाइजर, या फिर डी फैशन इंडस्ट्री. द आंसर इज फैशन साइकिल, जो मैंने बताया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज द वे इन विच फैशन चेंजेस ओवर टाइम. नेक्स्ट, वॉट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन? ए पॉपुलेशन, बी एज, सी ऑक्यूपेशन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है इनमें से? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. पॉपुलेशन, एज, ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, सब कुछ आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर. नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स इन द गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस. फर्स्ट लेबलिंग, सेकेंड असेंबलिंग, सी कटिंग, फोर्थ बंडलिंग. तो इसको अरेंज करना है हमें, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 4213, ऑप्शन बी इज 1324, ऑप्शन सी 3142, या ऑप्शन डी 2431. अब आप पॉज करें वीडियो, एक बार खुद से लिख के देखिए कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, कौन सा ऑर्डर सही बैठ रहा है, एंड देन हम आंसर देखते हैं. सो द आंसर इज सी 3142, मतलब कि सबसे पहले कटिंग होती है, उसके बाद लेबलिंग होती है, देन बंडल करा जाता है उन्हें, और सेकेंड लास्ट सबसे होता है असेंबलिंग. तो ये है स्टेप्स. ये स्टेप्स आपको ऐसे पता होने चाहिए कि इनमें प्रोसेस क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है, ये हमारे को बुक में मेंशनड है, सो यू हैव टू रीड द बुक. नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक? ए फैशन डिजाइनिंग, बी टेक्सटाइल डिजाइनिंग, सी डिजाइनिंग, या फिर डी नन ऑफ दीज. सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, इसको कहते हैं बी टेक्सटाइल डिजाइनिंग. नेक्स्ट, व्हाट डाइंग टेक्निक इज बाटिक? बाटिक एक डाइंग टेक्निक है, ये हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है. तो इसको रेजिस्ट है या तो ये टेक्निक, या फिर टाई एंड डाई है, या इजिप्शियन है, या फिर स्टॉक. अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है बुक के अंदर हमारे, बट आपको ये आ सकता है बिकॉज ये चैप्टर से रिलेटेड है और हमारा जो यूनिट है पूरा गारमेंट फैब्रिक और डिजाइन के ऊपर, तो ये डाइंग टेक्निक के बारे में आपको पता होना चाहिए. द आंसर टू दिस इज ए रेजिस्ट. रेजिस्ट टेक्निक यूज होती है बाटिक के अंदर. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज इट मीन इफ नो वाटर पेनिट्रेट्स अ फैब्रिक? ए वाटर प्रूफ, बी वाटर रिपेलेंट, सी स्टेन, या फिर डी नन ऑफ दीज. नो वाटर पेनिट्रेट्स अ फैब्रिक, मतलब कि कपड़े के थ्रू पानी नहीं जाता, वो कपड़ा जो है वो भीगता नहीं है, उसमें पानी जो है फिसल जाता है, उसके अंदर से नहीं जाता, पेनिट्रेट नहीं होता. तो द आंसर हियर इज वाटर प्रूफ. आपने सुना ही होगा बहुत बार वाटर प्रूफ है,
तो मतलब कि उसमें से कोई भी पानी नहीं जाता। अब एक क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड, तो इसमें हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा और उसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन दिए होंगे और आंसर करने होंगे। सो एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। Many students are attracted to pursue career in fashion industry due to lucrative income opportunities. मतलब कि वहाँ पे बहुत काफी पैसे मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए लोग फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। As a matter of fact, about 1/3 of professional fashion designers are self-employed. My niece, Sweetie, is also one of them. Since there is a constant demand for fashion designers specializing in a particular field, most of the aspirants focus their talent in one specialized fashion area like interior designing, merchandise displays, clothing, theater sets and many more. तो यहाँ पे बता रखा है अलग अलग फैशन एरिया क्या क्या है, इंटीरियर डिजाइनिंग, मर्चेंडाइज डिस्प्ले, क्लोदिंग, थिएटर सेट्स और ऐसे। स्वीटी वॉन्टेड टू क्वालिफाई टू बिकम फैशन डिजाइनर। स्वीटी को फैशन डिजाइनर बनना है। Equip her with fresh and new ideas since market on fashion trends are constantly changing. मतलब fashion trends हर वक्त बदलते रहते हैं, तो उसको new fresh ideas आने चाहिए और उसको उसको पता होने चाहिए। तो इस extract के ऊपर हमें questions दिए गए हैं। The first question is, how long do certificate programs in fashion merchandising typically take to complete? कितने time में मिलते हैं? A, 6 months to 1 year. B, 2 to 3 years. C, 3 to 4 years. FAD, 4 years. अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन तो इसमें दिया ही नहीं हुआ, इसका आंसर तो कहीं पे भी ईयर्स के बारे में तो कहीं बात हुई नहीं। तो ऐसे ही होता है, एक्सट्रैक्ट में जरूरी नहीं कि आपको आंसर दिया हो वहीं पे, बस वो एक्सट्रैक्ट तो ऐसे ही बताने के लिए होगा कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको इतना आइडिया मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि एकदम आंसर उसमें मिले। तो आंसर आपको खुद पता होना चाहिए, अगर आपने चैप्टर के एंड में पढ़ा होगा तो ये पता है होगा द आंसर इज ए, 6 months to 1 year, इतना टाइम लगता है टू गेन अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फैशन मर्चेंडाइजिंग। अब सीयूटी का जो पेपर होता है उसमें तो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो एटलीस्ट आपको एक्सट्रैक्ट से पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से है और वो चैप्टर से मुझे तैयारी मेरी कैसी है, मुझे क्वेश्चन करना है या नहीं करना। The next question is, what degree do some fashion designers combine with a fashion designing degree? अब ये जो है ये भी इसी extract के ऊपर based है, but हमने हमको खुद पता होना चाहिए because again वो उसमें answer नहीं किया हुआ है, उसमें तो बस degree के बारे में बता रखा है कि स्वीटी को करनी है, अब किसके साथ combine हो सकती है ये नहीं बता रखा। So the options are A, business, B, science, C, sociology या फिर D, humanity. The answer is B, A, business. तो business and fashion designers जो है वो एक साथ हो सकते हैं, और इसमें mention भी करा हुआ है कि काफी लोग self-employed होते हैं या फिर वो अपना business खुद से चालू करते हैं। So you should know this. And the next question is, who is responsible for designing window displays and arranging store merchandise? ये उससे related नहीं है, ये अलग question है। कौन responsible होता है विंडो डिस्प्लेज एंड अरेंजिंग स्टोर मर्चेंडाइज? ए, सेट डिजाइनर, बी, इंटीरियर डिजाइनर, सी, फैशन डिजाइनर या फिर डी, विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर। अब आपको ये चारों डिजाइनर्स में फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें से ऐसे करके जैसे एक एक लाइन दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कौन सा डिजाइनर है, ऐसे करके आ सकता है। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात हो रही है, मतलब विंडोज पे जो आप डिस्प्ले देखते हो ना, मैनिक्विंस कपड़े पहन के खड़े होते हैं, वो कौन से डिजाइनर काम करते हैं उसपे? तो आंसर इज डी, विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर। विजुअल वर्ड यूज हो रहा है मतलब देखने का, और फिर डिस्प्ले का वर्ड यूज हो रहा है, तो विजुअल और डिस्प्ले एक साथ जाते हैं। तो अगर आपको आंसर डायरेक्टली भी ना पता हो तो क्वेश्चन पढ़ के इसमें से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एबिलिटी मस्ट अ फैशन डिजाइनर पोजेस टू अंडरस्टैंड हाउ सर्टेन डिजाइन फिट इनटू कस्टमर्स बजट या फिर कंज्यूमर्स बजट? A, forecasting ability, B, analytical ability, C, communication ability या फिर D, merchandising ability। तो हमें कुछ ability के बारे में बताया हुआ है बुक के अंदर, तो उसमें से आंसर इज analytical ability। एनालाइज करना कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो कपड़े खरीद रहे हैं उनका बजट क्या हो सकता है, या फिर वो किस एज के होंगे या कौन से बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, ये सब एनालाइज करना है ना, तो इसलिए ये एबिलिटी एनालिटिकल एबिलिटी होती है। एंड विद दिस हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो।